और पासपोर्ट लेके जाना डॉक्यूमेंट्स इतने सारे इनविटेशन फ्लाइट टिकट होटल बुकिंग इतने सब कुछ लेके जाना अब वो सब खत्म हो चुका है ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है दिस इज सच एन अमेजिंग न्यूज और आज की वीडियो में मैं आपके सामने यही लेके आया हूं कि आप वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है कितने का एक्सपेंस आएगा और कितनी जल्दी आपको वीजा मिल जाएगा तो पीछे से स्टार्ट करते हैं वीजा आपको सिर्फ फोर डेज में मिल जाएगा इट्स नॉट इवन वर्किंग डेज चार दिन में वीजा आपके हाथ में आ जाएगा बोल रहे हैं चार दिन आ तो सेम डे और नेक्स्ट डे भी रहा है सेकेंड एक्सपेंस कितना है इज जस्ट फॉर फोर्टी यूएस डॉलर विच इज इक्वल्स संीन हजार और बत्तीस सौ रुपए के अराउंड आपको वीजा कॉस्ट कर जाएगा थर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर है दैट इज जस्ट अ होटल बुकिंग सिर्फ होटल बुकिंग रिक्वायर है और कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है और होटल बुकिंग के लिए भी है क्या आपके भाई के पास सिर्फ बुकिंग डॉट कॉम पे जाना एक नॉर्मल सी बुकिंग बना देना पे एट होटल वाली वो भी आपका क्लियर हो जाएगा कोई चार्ज ही नहीं लगा उसमें लास्ट की अप्लाई कैसे किया जाए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यू नो दिस थिंग चलो फटाफट फड़ स्क्रीन पे चलते हैं और बताता हूँ वीजा कैसे अप्लाई करना है ओके okay, तो सबसे पहले हम एक वेब ब्राउजर खोल लेंगे और वहां पे हम लिखेंगे रशिया ई -E वीजा खोलते ही सबसे पहले ही हमें सामने दिखा रहे के इसी पे हमें जाना है और जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो एक बहुत बड़ा आपको फॉर्म सा दिख जाएगा जो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज वो सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं बाकी आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं मैं क्विकली ये तीन टिक करता हूँ एंड विल गो टू द नेक्स्ट पेज जहाँ पे हमें एक अपना साइन अप करना है तो नीचे आप देख रहे हैं रजिस्टर रजिस्टर अ न्यू यूज़र इस पर क्लिक करेंगे तो वी हैव टू पुट अर ई एड्रेस और फिर उसके बाद एक पासवर्ड सेट करना है तो लेट मी क्विकली पुट द ई एड्रेस एंड पासवर्ड ना अब अपनी डिटेल्स डालते ही आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक कन्फर्मेशन चला जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पे आप जैसे ही उसको वेरीफाई करेंगे देन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे ऑप्शन आ रहा है साइन इन का आप इस पर क्लिक करें अगेन आप पीछे पेज पे आ जाएंगे एंड जो भी आपने ई मेल और पासवर्ड सेट किया था आप उससे यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं अब मैं क्विकली लॉग इन कर लेता हूँ ई मेल और पासवर्ड एंटर करके और जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करेंगे देखिए नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है आप जैसे ही उसे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे थर्ड नंबर पे देखिए अप्लाई न्यू ई वीजा इस पर क्लिक करिए और सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है हमें और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है सी तो मैंने ऑलरेडी गैलरी में रख ली है विल पुट द पिक्चर हो गया अपलोड और पिक्चर अपलोड होते ही आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक नए पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपसे नेशनैलिटी के बारे में पूछा गया है मैं इंडियन हूँ मैंने इंडिया का पिक कर दिया आप जिस भी नेशनैलिटी हैं यहाँ वो पिक कर सकते हैं फिर उसके बाद आता है टाइप ऑफ पासपोर्ट जिसमें नॉर्मली पासपोर्ट आप पिक कर दीजिए तो आपको इंडियन पासपोर्ट की सामने पिक्चर दिखा रहा है जैसे हमने फोटो अपलोड करी थी सेम वाइज हम इसको भी अपलोड कर देंगे फिर उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ मैं दिल्ली से हूँ मैंने वो एंटर कर दिया आप जिस भी जगह से हैं आप वो एंटर कर सकते हैं फिर आता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको मैंने खाली छोड़ दिया है क्योंकि ये रिक्वायर्ड ही नहीं है नाम हमारे मतलब का है फिर आता है डू यू करेंटली हैव एवर हैड अ पर्सनल डाटा इसको सिंपली नो कर दीजिए फिर इसके बाद ये पूछ रहा है कि डू यू करेंटली हैव एनी अदर सिटीजनशिप अगैन मेरे पास तो नहीं है अगर आप कैनेडा uh, से हैं आपने कहीं और की नेशनलिटी ले लिया तो आप डेफिनेटली uh, उसको पिक कर सकते हैं हैव यू एवर हैड एनी अदर नेशनैलिटी अगेन द सेम क्वेश्चन फिर पर्पज ऑफ विजिट अब टूरिज़म uh, है हमारा तो आई वुड सजेस्ट सबको टूरिज़म ही पिक करना देन uh, उसके बाद डिस्क्रिप्शन करना है सेम वाइज अगेन मैं टूरिज्म लिख देता हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ और नहीं लिख सकते आप लिख सकते हैं विजिटिंग रशिया फॉर वेकेशन और समथिंग लाइक दैट फिर आता है इंडी कोई एक रैंडम डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं इट्स नॉट एक्चुअली रैंडम आप जिस भी दिन का प्लान कर रहे हैं मैं वही सजेस्ट करूँगा क्योंकि आपको जो वीज़ा मिलने वाला है ना वो सिर्फ और सिर्फ सोलह दिन का वीज़ा मिलने वाला है ई वीज़ा सिर्फ सोलह दिन का है मैं आपको पहले बता दूँ तो आप अपने अकॉर्डिंगली करना अब जैसे ही आप करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप अकेले जा रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जा रहे हैं तो आई एम पिकिंग एज इंडिविजुअल क्योंकि मैं अकेले जा रहा हूँ uh, इसके बाद आपको अपना डिटेल्स अगेन भरना है अगेन योर एड्रेस दैट यू हैव टू फिल अगेन आई डोंट थिंक सो ये मुझे बताने की जरूरत है बट स्टिल आई लेट मी पुट माई लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम एड्रेस अब इसके बाद यू हैव टू पुट योर फोन नंबर और ऐसा मेरा कोई नंबर है नहीं तो प्लीज़ इस पर ट्राई मत करना और फिर लास्ट में यू हैव टू पुट योर ई मेल एड्रेस एंड इमीजिएटली आफ्टर ई मेल एड्रेस आप नीचे देख रहे हैं लिखा है वेर आर यू प्लानिंग टू स्टे अब मैंने बुकिंग डॉट कॉम से एक जगह देखी थी सेंट्रल मॉस्को में आई बी एस होटल ये मैंने विदाउट कार्ड पे एट होटल बुक किया है ऐसे बहुत ऑप्शन आपको बुकिंग डॉट कॉम पर मिल जाएंगे मैं आपको यही बता रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में तो जिसमें आपको कार्ड डिटेल भी नहीं डालनी पड़ेगी और आप का बेसिकली वीजा का काम परपज -पर सॉल्व हो जाएगा और बाद में आप किसी में भी स्टे करें दैट डजेंट मैटर कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली एड्रेस आपको वहीं से मिल जाएगा बुकिंग डॉट कॉम जहाँ पे भी आप बुक कर रहे हैं आर लॉट ऑफ अदर वेबसाइट्स इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कहाँ से करना चाहते हैं मुझे फ्री का एक मिल रहा था तो चांस तो मैंने वहाँ से कर लिया नाउ यू कैन पुट एड्रेस और मैं रैंडमली आपके लिए दिखा रहा हूँ देन फिर आता है होटल बुकिंग नंबर अगेन दिस इज़ अ कन्फर्मेशन नंबर अगर आपके पास है तो आप इसमें मैंशन कर सकते हैं नहीं है तो अगेन कोई ट्रबल वाली बात नहीं है फिर उसके बाद आता है डू यू हैव अ वैलिड रशिया वीजा ऑफकोर्स नहीं है तभी हम अप्लाई कर रहे हैं आई डोंट नो वाई दिस क्वेश्चन इज या फिर उसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस और पॉलिसी आप येस yes भी कर सकते हैं अगर आपके पास है मैंने अभी नो no कर दिया माई सजेशन आप इसमें येस yes ही करना इससे पहले पॉलिसी ले लेना ताकि एक होता है ना कि रीज़न ही रहना चाहिए रिजेक्शन का फिर इसके बाद आता है कि सोर्स क्या है आपका फंडिंग का जो आप रशिया में जा रहे हैं मैंने इसमें इंडिपेंडेंट लिख दिया अब भी मैं सजेस्ट करूँगा इंडिपेंडेंट ही लिखना फिर उसके बाद लास्ट तीन साल में कहाँ गए मैं बहुत सारी जगह गया हूँ अब मैं वो सारे डालने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें आई I मीन mean, अगर वो सब मैंशन किया तो बेटर नो कर देते हैं फॉर टाइम देन इसके बाद फैमिली स्टेटस आई एम सिंगल तो मैंने वो पिक कर दिया देन उसके बाद आपको यू हैव टू पुट योर फादर डिटेल एंड योर मदर्स डिटेल तो वो सब आप अपने अकॉर्डिंगली भर सकते हैं फिर नैक्स्ट करेंगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी अबाउट योर एक्चुअल रेजिडेंस इट्स एक्चुअल रेजिडेंस इज एक्चुअली सेम एज करंट एड्रेस तो जहाँ पे भी आप अभी रह रहे हैं आपको वो अपना एड्रेस इसमें मैंशन करना होगा तो लेट्स क्विकली डू दैट अगेन मोबाइल फोन नंबर यू कैन पुट सेम उसके बाद एन ई मेल एड्रेस वी हैव टू पुट अगैन मेक श्योर जो भी आप चीजें इसमें एंटर कर रहे हैं ना वो सेम ही कर रहे हैं अगर आपके पास दो या तीन ई मेल एड्रेस मोबाइल फोन नंबर है डोंट चेंज अगेन एंड अगेन प्लीज पुट द सेम वन एक ही पे रहना फिर आता है 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 डू यू ओन रियल इन रशिया तो 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 अगेन मेरे पास पास तो नहीं है। अगर आपके पास है, तो आप यस कर सकते हैं uh, ये सारे आप बेसिक नो वाले क्वेश्चंस हैं एंड आई वुड सजेस्ट आप नो पे ही स्टिक करना और डू यू वर्क दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डू यू वर्क और स्टडी इन प्रेजेंट टाइम अगर आप काम या कुछ कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वी हैव टू पुट यस नाउ यू हैव टू पुट अगर आप स्टूडेंट है तो आपको अपने कॉलेज की इंफॉर्मेशन देनी होगी अगर आप वर्किंग है तो यू हैव टू पुट द इंफॉर्मेशन अबाउट योर वर्क प्लेस जहां पे भी आप काम कर रहे हैं जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं सो बेसिकली यू हैव टू पुट दैट अब इसके बाद यू हैव टू पुट योर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन हैव यू स्टडीड एट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अदर देन हायर स्कूल तो ट्वेल्थ के बाद अगर आप कहीं पे भी पढ़े हैं तो वो आपको इसमें इन्फॉमेसन डालनी है तो आई स्टडी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी तो वो मैं इसके अंदर इन्फॉमेसन डाल रहा हूँ यू जस्ट हैव टू पुट योर कॉलेज और जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने स्टडीज़ की है फिर इसके बाद ये ऑलमोस्ट लास्ट पेज पर हम आ चुके हैं जहाँ पर मोस्ट ऑफ दिस चीज़ें नो नो आएंगी किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हैं या कुछ भी ऐसा है कोई वेपन आप कैरी कर रहे हैं एन एनी थिंग लाइक दैट सो इट विल बी ऑल नो आप आखिर बंद करके नो no पे क्लिक कर सकते हैं एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप कुछ इसमें मैंशन करना चाहते हैं तो अदरवाइज uh, आप सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करिए एंड यूल डायरेक्ट टू द फाइनल कन्फर्मेशन कि आपको एक बार आपकी पूरी प्रोफाइल दिखा दी जाएगी किसी आपने ये डॉक्यूमेंट्स और ये डिटेल्स भरी हैं आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए और कहीं पर भी लगता है कि आपने कुछ मिस कर दिया है या कुछ आपको ऐड करना है तो आप एडिट पे क्लिक करके वो कर सकते हैं अदरवाइज यू कैन जा सकते हैं। and फिर डालना पड़ेगा यू कैन पुट यूर डेबिट कार्ड डिटेल्स एज वेल एंड मेक द पेमेंट एंड ऑल डन फिर उसके बाद आपके जैसा मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में फोर डेज के अंदर आपका वीजा आपके पास आ जाएगा इफ दाल भी सक्सेसफुल एंड होप फुली सक्सेस ही होगा या तो आई होप अब सबके डाउट क्लियर हो गए हैं और किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है ना यू कैन कमेंट डाउन बिलो या फिर इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हो मैं हूं यहाँ पे हेल्प करने के लिए एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इज जस्ट नॉट रिलेटेड टू रशिया सिर्फ रशिया से रिलेटेड नहीं है कहीं पे भी घूमना है वीजा छोड़ो फ्लाइट होटल बुकिंग कुछ भी कैसे घूमे कब घूमे कहां घूमे कवर लेटर कैसे बनाए वीजा कैसे अप्लाई करें कुछ भी हो आई एम टू हेल्प बस आपको एक छोटा सा काम करना यू कैन कमेंट डाउन बिलो या फिर इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर दो मैं सब्सक्राइब के लिए भी नहीं बोलता मैं लाइक like के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ अब तो मैंने वो भी बोलना छोड़ दिया बिकॉज आई नो आप करते तो हो नहीं क्या बोलूंगा एनीवेज uh, मिलते हैं ऐसे आगे वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोज में तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड फटाफट भागो घूमो